एक भाई बच्चों के दिमाग में सवाल होता है कि क्या आईआईटी जेई और नीट का सिलेबस अलग अलग होता है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आईआईटी जेई और नीट का सिलेबस तो सेम होता ही होता है, 11वीं 12वीं का सिलेबस भी वही होता है जो आईआईटी जेई और नीट में आता है। अगर आप 11वीं 12वीं को क्रैम करके पढ़ते हो तो आप कहते हो कि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, लेकिन वैसे पढ़ना नहीं चाहिए भाई। मैं कहता हूँ बोर्ड के लिए भी आप कैसे पढ़ो समझ के, इजंट इट। अगर आप डेरिवेशन याद कर लिए और सिंपली सेमेस्टर में डेरिवेशन आ गए, आपने डेरिवेशन वहां पर उतार दिए, तो आप एक तरह से किसकी तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की, इजंट इट। क्योंकि आमतौर पे बोर्ड की तैयारी हम कैसे मानते हैं कि क्रैमिंग के थ्रू ही होती है। ओके, और एक आप समझ के पढ़ते हो चीजों को, तो मैं कहता हूं आपकी बोर्ड की तैयारी तो होगी ही होगी, साथ में आपकी तैयारी किसकी हो जाएगी, नीट की और जेई कंबाइंड। कई बच्चे सोचते हैं मैं तो जेई के लिए पढ़ रहा हूं, मुझे नीट के क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत क्या है। भाई नीट के बहुत सारे क्वेश्चन कहां पर रिपीट होते हैं आईआईटी जेई में, और आईआईटी जेई के बहुत सारे क्वेश्चन कहाँ रिपीट होते हैं नीट के अंदर। और कई सोचते हैं कि हम तो भाई इस बोर्ड के हैं, हमको सीबीएसई बोर्ड के हैं, हमको हरियाणा बोर्ड के सेमेस्टर वाले क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। अरे भाई ये बोर्ड वाले क्वेश्चन भी क्या होते हैं आपस में रिपीट। आप ये मत सोचो कि आईआईटी जेई और नीट अलग अलग है, इनको आपने डिफरेंट नहीं सोचना है। क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा आईआईटी जेई एडवांस में क्या होता है, थोड़ा हाई होता है, लेकिन ज्यादातर को जो क्वेश्चन आपको भाई सेम लेवल के मिलेंगे वे क्या मिलेंगे आपको, कॉमन। आईआईटी जेई में वही क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी और नीट में भी क्या आते हैं आपके, वही क्वेश्चन आते हैं। हाँ एडवांस्ड में थोड़े क्वेश्चन क्या आते हैं, एडवांस्ड लेवल के भाई। ओके, लेकिन अब आप ये बताओ अगर आप किसी टॉपिक को एडवांस्ड लेवल पर पढ़ लेते हो तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको अपने आप सारे ही आ जाएंगे, चाहे वो नीट वाले हो चाहे वो जेई मेंस के हो। भाई मैं एक बात बोलता हूं, अगर आप एक तालाब खरीदते हो तो उसके अंदर मछलियां उसके अंदर ही शामिल होती हैं। आप अगर कोई भैंस खरीदते हो तो कचड़ा उसके साथ फ्री होता है। तो मैं कहता हूं आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ो और एडवांस लेवल पे पढ़ो, तो बेसिक लेवल पे चीजें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो बात होती है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये कहते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड के लिए, हम पढ़ा रहे हैं कॉम्पिटिशन के लिए। तो पता है बोर्ड के लिए पढ़ाने को क्या मानते हैं, कि हम बच्चों को क्रैम करवाएंगे, हम उनको गोटा मरवाएंगे। बात आपको पहले पड़ी, उनकी बोर्ड की तैयारी तो हो जाएगी लेकिन वो गोटा तैयारी है, वो क्रैमिंग की तैयारी है, रटाफिकेशन की तैयारी है। बात आपको पहले पड़ी, तो उनका बोर्ड की तैयारी भी मुश्किल से होती फिर उनकी, अगर उतने ही एफर्ट में वो कैसे पढ़ते चीजों को समझ के, तो उनकी बोर्ड की तैयारी भी होगी और साथ में क्या होगी आपकी नीट और जेई की भी। ठीक है बात, तो ये भूल जाओ भाई कि सीबीएसई ने फलान निकाल दिया ढिमकाना निकाल दिया, आपने सारा पढ़ना है जो भी नीट जेई के सिलेबस में दे रखा है।